Hello everyone, welcome back to your science class. In our previous lecture, we studied first step. Now we will continue our next topic, first step for wounds. Wounds means घाव. Wounds के लिए first step. So let's start. In case of a wound, we need to first wash the injured area with running water to remove all the dirt. इन केस ऑफ वाउंड, अगर आपको वाउंड या किसी तरीके का कोई घाव हुआ है तो इसमें आपको जरूरी है कि सबसे पहले आप उस इंजर्ड एरिया को रनिंग वाटर में जाके वॉश करेंगे ताकि उसके ऊपर जो डर्ट हो वो निकल जाए. देन क्लीन द वाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कॉटन टू कंट्रोल इन्फेक्शन. उसके बाद आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उस इंजर्ड प्लेस पर यानी कि उस घाव पर आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे. रैप एरिया विद अ क्लीन बैंडेज. उसके बाद उस एरिया को आपको क्लीन बैंडेज से रैप कर देना है. देन नेक्स्ट, इफ यू फाइंड एनी थॉर्न्स, स्प्लिंटर्स और ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास ऑन और नियर द वाउंड, आस्क एन एल्डर टू टेक देम आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन पेयर ऑफ ट्वीजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन. अगर आपको उस प्लेस पर जहाँ आपको बाउंड है वहाँ उस प्लेस पर अगर आपको थॉर्न्स यानी कि कांटे, स्प्लिंटर्स यानी कि जो वुड होती है, वुड के जो स्मॉल पीसेस होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं वो अगर आपको नज़र आ रहे हैं, या फिर ग्लास के जो ब्रोकन पीसेस होते हैं वो आपको अगर आपके बाउंड पे नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एल्डर्स के पास जाना है और उन्हें कहना है कि जो ट्वीजर्स होते हैं उसकी हेल्प से उन थॉर्न्स, स्प्लिंटर्स या फिर जो ग्लासेस के जो पीसेस अगर नज़र आते हैं तो उन्हें आपको निकलवाना है उनकी हेल्प से, ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो और इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सके. देन नेक्स्ट, इन केस द वाउंड इज ब्लीडिंग अ लॉट, प्रेस द वाउंड हार्ड विथ अवर हैंड यूजिंग अ क्लीन क्लॉथ. अगर वाउंड वाले प्लेस पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है, एक क्लीन क्लॉथ यूज़ करना है और उसे हार्डली उस प्लेस पे जाके प्रेस करना है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. अगर आप ऐसा करते हो तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी. देन नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. बर्न्स मीन्स जलना. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, बर्न्स के लिए फर्स्ट एड. इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, द बर्न्ड एरिया शुड बी केप्ट अंडर कूल नॉट कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स. इन केस अगर आपको माइनर बर्न है यानी आपको थोड़ा ही जला है तो आपको बर्न एरिया को क्या करना है, कूल वाटर के नीचे रखना है और ध्यान रखना है कि वो वाटर कूल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो. तो ऐसे आपको कितने समय तक के लिए रखना है, उसे 20 मिनट्स के लिए आपको कूल वाटर के नीचे रखना है. द बर्न शुड बी कवर्ड विद अ क्लीन फिल्म. और उसके बाद आपको क्या करना है, बर्न प्लेस को क्लीन फिल्म से कवर्ड करना है. वॉट इज क्लीन फिल्म? अ क्लिंग फिल्म इज अ थिन शीट ऑफ अ प्लास्टिक दैट कैन स्टिक. क्लिंग फिल्म क्या होती है, एक थिन शीट होती है प्लास्टिक की जो कि वहाँ पे जाकर स्टिक हो सकती है. इट इज़ यूजली यूज टू रैप फूड, जो कि ज़्यादातर किसमें यूज की जाती है, फूड को रैप करने में यूज की जाती है. देन नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू प्रिक एनी ब्लिस्टर इफ फॉर्म. अगर आपको बर्न प्लेस पे किसी तरीके के कोई ब्लिस्टर यानी कि फफोले आ जाते हैं तो आपको उन्हें फोड़ने की कोशिश नहीं करना है. इफ द बर्न इज सेवर्ड, द विक्टिम शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट एड हैज बीन गिवन. विक्टिम, व्हाट इज विक्टिम? अ पर्सन हु इंजर्ड. ऐसा पर्सन जो इंजर्ड हुआ है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे विक्टिम उस पर्सन के लिए यूज किया गया है जो कि इंजर्ड है. तो इफ द बर्न इज सेवर्ड, सेवर मीन्स बहुत ज्यादा अगर जल गया हो, तो विक्टिम को आपको फर्स्ट एड के तुरंत बाद डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाना है. फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड. व्हाट इज फ्रैक्चर? अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. बोन में किसी तरीके का ब्रेक या क्रैक आना फ्रैक्चर कहलाता है. इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर वन शुड नॉट यूज द फ्रैक्चर पार्ट एट ऑल. इन केस अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको फ्रैक्चर पार्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है. सपोर्ट द इंजरी विद द अदर हैंड और अ कुशन.
उस पार्ट पे जहाँ आपको फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को आपको दूसरे हैंड या कुशन से सपोर्ट देना है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्लिंग एंड अ स्प्लिन टू सपोर्ट द इंजर्ड लिम्ब। इट मीन्स अगर आपको हैंड्स या लेग्स में जो फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट देने के लिए आप स्लिंग या स्प्लिन का भी यूज़ कर सकते हो। वॉट इज स्लिंग? स्लिंग कपड़े के टुकड़े की बनाई हुई एक पट्टी होती है जिसे आप गले में हैंग कर सकते हो ताकि आप आपके फ्रैक्चर पार्ट को सपोर्ट कर सको। इसी तरह स्प्लिंट जो होता है वो एक रिजिड मटेरियल का बना हुआ, रिजिड मीन्स हार्ड मटेरियल की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसको आप आपके फ्रैक्चर पार्ट पे सपोर्ट के लिए लगा सकते हो। टाइंग अ स्प्लिंट प्रिवेंट द ब्रोकन बोन फ्रॉम मूविंग एंड कॉजिंग फर्दर इंजरी। तो आपको क्या करना है, स्प्लिंट को टाई करके रखना है ताकि आपका जो फ्रैक्चर पार्ट है वो मूव ना हो और आगे किसी तरीके की कोई इंजरी ना हो। द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीजिएटली। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंजर्ड पर्सन को इमीजिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। एनिमल बाइट्स के लिए फर्स्ट एड। बाइट्स फ्रॉम डॉग्स कैन बी वेरी डेंजरस। डॉग के द्वारा जो काटा जाता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट वॉश द बाइट विथ अ लॉट ऑफ सोप एंड वाटर। अगर आपको एनिमल ने बाइट किया है तो सबसे पहले आपको बाइट वाली प्लेस को जाकर सोप और वाटर से अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड। और उसके बाद आपको वाउंड पर क्या करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना है एंड कवर इट विथ अ क्लीन बैंडेज। और उसके बाद उसे क्लीन बैंडेज से कवर करना है। टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर इमीजिएटली। उसके बाद आपको पर्सन को डॉक्टर के पास इमीजिएटली ले जाना है। अ पर्सन बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीजिएटली। अगर किसी पर्सन को किसी पॉइजनस स्नेक ने काटा है तो इस कंडीशन में आपको बिना देरी किए जल्दी से जल्दी उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाना है। अ बैंडेज शुड बी टाइड टू स्टॉप द बिटन लिम्ब फ्रॉम मूविंग। और उस लिम वाले उस पार्ट पे जहाँ पे उसे स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे बैंडेज को लगाना है ताकि उसका वह पार्ट बिल्कुल भी हिले ना। फॉर बी एंड बेस्ट स्टिंग रिमूव द स्टिंगर एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर इन केस अगर आपको बी या गैस यानी कि ततैया ने काटा है तो आपको क्या करना है, उसके स्टिंगर यानी उसके डंग को बिना देर किए जल्दी से जल्दी उसे निकालना है। द लॉन्गर द स्टिंगर रिमेन्स द मोर पॉइजनस इट कैन गेट। अगर स्टिंगर बहुत ज़्यादा समय तक के अंदर रह गया तो पॉइजन बढ़ सकता है। पुट आइस ऑन द एरिया एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्पॉट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस स्पॉट पे उस प्लेस पे जहाँ पे उसे बैस ने काटा है वहाँ पे आइस अप्लाई करना है, आइस रखना है और उसके बाद उस पे बेकिंग सोडा का जो पेस्ट होता है वो अप्लाई करना है। इस तरीके से जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। नोज ब्लीड के लिए फर्स्ट एड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोज ब्लीड? नोज ब्लीड मीन्स नोज से ब्लीडिंग होना। नोज ब्लीड्स कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन। नोज ब्लीड किसी भी पर्सन को अचानक से हो सकती है। इन केस ऑफ अ नोज ब्लीड मेक द पर्सन सीट एंड टिल्ट द हेड अपवर्ड। इन केस अगर किसी पर्सन को नोज ब्लीड हो जाती है तो उस पर्सन को सबसे पहले बैठाना है हमें एंड उसे कहना है कि अपने हेड को अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ रखिए एंड देन पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स टू स्टॉप द नोज ब्लीड। उसके बाद हमें उस पर्सन से कहना है कि उसका जो नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है उसे एटलीस्ट 5 मिनट तक के पिंच करके रखे। ऐसा करने से क्या होगा, नोज ब्लीड स्टॉप हो जाएगी। देन नेक्स्ट फर्स्ट एड फॉर स्प्रेंस। स्प्रेंस के लिए फर्स्ट एड। स्प्रेंस मीन्स मोचाना। अ स्प्रेंस हैपन व्हेन अ जॉइंट फॉर एग्जांपल द एंकल इज ट्विस्टेड। स्प्रेंस कब होते हैं, जब आपके जॉइंट ट्विस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंकल, अगर आपकी एंकल अचानक से ट्विस्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मेक द पर्सन कम्फर्टेबल एंड अप्लाई आइस। तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस पर्सन को कम्फर्टेबली बिठाना है और उसके उस पार्ट पे जहाँ उसको स्प्रेन हुआ है वहाँ पे आइस अप्लाई करना है। डू नॉट अप्लाई आइस डायरेक्टली, रोल इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ।
हमें आइस डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, उसे कपड़े के किसी टुकड़े में लेकर उसे रोल करना है और उसके बाद उसे अप्लाई करना है। रेप अ बैंडेज अराउंड द जॉइंट और उसके बाद उस पार्ट पे जहाँ स्प्रेन हुआ है उसे बैंडेज से रैप करना है। मेक द पर्सन रेस्ट एंड कीप द इंजर्ड पार्ट रेस्ट और उसके बाद हमें उस पर्सन से कैसे रेस्ट के लिए करना है और उसे कहना है कि उस पार्ट पे जहाँ पे इंजर्ड हुआ है उसे रेस्ट यानी ऊपर उठा के रखना है। इस तरीके से उसका जो स्प्रेन है वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।